दुकान बंद करके जा रहा था तो वहाँ देखा कि चौक के अंदर एक लड़के को पूरे लोग मार रहे थे। मैंने उनको पूछा कि वो क्यों मार रहे हैं इसको, तो बस वो मारे जा रहे थे उसको लुटा लुटा के। मैं उसको छुड़ाने गया तो मैं उसको छुड़ा रहा था तो उसके सिर में पर्ची डाल रहे थे। जैसे रियान ने उसको उसकी पर्ची पकड़ा, मैंने उसकी तंगड़ा पकड़ के खींचा बाहर पीछे, तो उन्होंने, मैं बचा रहा था इसके लिए, उन्होंने भी मेरे को पेट में, हाथ में और मुँह के ऊपर फाइटों से मारे, बहुत मारे, और मेरे को इसके अंदर बहुत पेट में भी तकलीफ चालू है इसकी वजह से। तो अपन ने उनकी क्रूरता जो थी, मारून टाका यान्ना लई मातले भोसड़ी छे, ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ बोल के जो है वो उसको बेरहमी से मार रहे थे। क्या इतनी क्रूरता से मारना का मंजर पहली बार देखा। अगर हम लोग उसको नहीं बचाते तो वो उसको मार डालते थे, इतनी क्रूरता से वो लोग मार रहे थे। जनरल सेक्रेटरी जलगांव, पिछले महीने भी इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना हुई जिस फुले मार्केट में, उसके खिलाफ पूरे जलगांव के मुसलमानों ने मेमोरेंडम दिया था, कलेक्टर साहब से मीटिंग की थी, एसपी साहब से मीटिंग की थी। इसके बाद ये घटना फिर हो रही है। जलगांव के महीने भर के पेपर उठाइए, चोरी, खून और दरोड़े और उसके साथ सांप्रदायिक घटना, ये जलगांव प्रशासन का फेल्योर है, अपयश है। और हम इस वक्त डिमांड करते हैं, अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपी साहब को ये हैंडल नहीं होता है तो प्लीज़ ये शुड गेट ट्रांसफर। ये हमारा अपील है कि वो पूरे प्रशासन के साथ यहाँ से ट्रांसफर लें। आपका नाम? आप रोक नहीं सकते। राकिब अहमद, मैं जमैतुल उलमा का जनरल सेक्रेटरी हूँ जलगांव। वो फर्शी मैंने बचाई तो वो फर्शी उठा के मेरे सर पे मारी, मुझे तीन टाके आए हैं। वो इतनी क्रूरता से मार रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसको मार डाली है। आज वो बच्चा सीरियस कंडीशन में है और हमारे ऊपर जानलेवा हमला उसी वजह से। क्या पद क्या है आपके पास? एमआईएम महानगर अध्यक्ष जलगांव। तो किस समय ये मैटर हुआ और क्या कारण था ये मैटर होने का? 9 बजे के तकरीबन ये मैटर हुआ। मुझे कुछ भी नहीं थी, एक लड़का अपनी रोड गाड़ी के ऊपर खड़ा फोन कर रहा था तो कुछ वहाँ से लड़के गुजरे और उन्होंने कहा कि तो हमारे को मारने के लिए लड़के बुला रहा है। सारी चीजों के ऊपर पहली एक्शन ले ले, छोटी घटना होगी अगर लग रहा है कि छोटी सी घटना है, और आए दिन वहाँ पर घटना होती है, ये सभी लोगों को मालूम है, डिपार्टमेंट को मालूम है, सभी को मालूम है। और वहाँ पर जब इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और अभी जितने सारे इंसिडेंट्स हुए ये वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो सारी चीज़ें कैप्चर है, ये सारी चीज़ जितनी घटना हुई सारी की सारी है वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे के अंदर। अब कला हुआ, मेरा नाम रियाज बागवान, नगर सेवक, एमआईएम।